नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। सभी की निगाहें ब्रज और रुहेलखंड क्षेत्रों पर हैं। अब अगर आपको ब्रज और रुहेलखंड इलाके नहीं पता तो आपको बता दें, ब्रज में मथुरा, अलीगढ़, मैनपुरी और एटा जैसे इलाके आते हैं और रुहेलखंड में बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली और पीलीभीत वाले क्षेत्र आते हैं। कोर वोटर्स के लिहाज से देखा जाए तो ये चुनाव क्षेत्र समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यादव मुस्लिम बाहुल्य वाली इन 10 सीटों को इसलिए ही यादव लैंड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि पिछले 2 चुनाव से अपने इस खास मैदान में अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अगर समाजवादी पार्टी यहां की सीटों पर जीत का परचम नहीं लहरा पाती है तो हमेशा के लिए जमीन खोने का डर रहेगा। तो क्या होगा इस बार तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की सीटों का समीकरण, आइए समझते हैं। एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, बदायूं और संभल जैसे निर्वाचन क्षेत्रों में यादव मतदाताओं का बाहुल्य यानी तादाद ज्यादा है, जो सैफई परिवार यानी मुलायम सिंह यादव परिवार के लिए समर्पित रहे हैं। इसके साथ ही संभल, आंवला, फतेहपुर सीकरी, आगरा और फिरोजाबाद में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। संभल में 50% तो बरेली में 33% आबादी मुस्लिम है। 2014 के चुनावों में सपा ने यहां केवल 5 सीटें जीतने में कामयाबी हासिल की थी। आजमगढ़ और मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जीते थे और कन्नौज से डिम्पल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव और बदायूं से धर्मेंद्र यादव जीते थे। पर 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी को यहां बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ये यादव लैंड में समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बार जिस तरह से पीडीए फॉर्मूला या पार्टी गठबंधन हो, इन सब के आधार पर सपा को विजय दिलाने वाला मुस्लिम यादव समीकरण का प्रभाव काफी कम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कोर वोटर्स यादव रहे हैं। बीजेपी और बीएसपी इस बात को परिवारवाद से जोड़कर भी देख रहे हैं। सपा 2024 के लोकसभा चुनाव में सूबे की कुल 80 में से 62 सीट पर चुनाव लड़ रही है और बाकी सीट सहयोगी दलों को दी गई है यानी कांग्रेस पर। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में इस बार केवल 5 यादव प्रत्याशी उतारे हैं, जिनमें कन्नौज सीट पर खुद अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो मैनपुरी सीट से उनकी पत्नी डिम्पल यादव मैदान में है, आजमगढ़ सीट से धर्मेंद्र यादव, बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव और फिरोजाबाद सीट से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं। पर माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह राज्य की दूसरी प्रमुख पार्टियां जैसे बीजेपी और बीएसपी यादव समुदाय को लुभाने में लगी हैं, जैसे बसपा ने खुद 4 प्रत्याशी यादव उतारे हैं और बीजेपी का शुरू से ही जाति के आधार पर मंत्री चुनना, ये सब यही दिखाता है कि इस बार कई हद तक यादव वोट भी टूटेगा। अगर अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी समझती है कि अगर यूपी और बिहार में राज करना है तो समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसा पार्टियों से यादव समाज को छीन लेना होगा। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद मोहन यादव को बनाएंगे। बीजेपी यादव समुदाय में ये संदेश देना चाहती थी कि पार्टी में यादव लोग सर्वोच्च पदों को पा सकते हैं। यही कारण है कि पार्टी ने प्रदेश के यादव बाहुल्य वाले इलाकों में मोहन यादव की विजिट भी करवाई थी। इसी क्रम में देखा जाए तो मोहन यादव ने सवाल भी किया था कि आखिर सपा ने प्रदेश के अन्य यादवों को टिकट क्यों नहीं दिया, और ये बात सच में सोचने वाली है कि क्या उनको यादवों में सिर्फ अपना परिवार ही दिखता है। आइए अब पूरे जातिगत समीकरण की बात करते हैं। तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होने वाला है, गैर यादव वोटों में खासकर लोधे एक महत्वपूर्ण और निर्णायक ताकत के रूप में उभरे हैं। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में शाक्य और मुराओ समुदायों का प्रभाव है जो चुनाव में निर्णायक साबित होते हैं। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह के चलते लोधे बीजेपी का कोर वोटर बन चुका है। काशी और शाक्य आदि वोट भी बीजेपी के सेंध लगा चुकी है। मुलायम सिंह यादव जब तक मजबूत रहे, इन जातियों को समाजवादी पार्टी ने समेट रहे, इसलिए शायद इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव ने जनाधार बढ़ाने के लिए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला तैयार किया है। पर अखिलेश को गैर यादव पिछड़ी जातियों का जितना समर्थन पूर्वी यूपी से मिल रहा है उतना शायद पश्चिम यूपी से ना मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बार समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बीएसपी उसके साथ नहीं है। पिछली बार 2019 में चुनावों में इन 10 सीटों में से सत्तारूढ़ भाजपा ने 8 पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, केवल 2 सीट ही जीतने में कामयाब हुई थी। इस बार समाजवादी पार्टी के साथ ना बीएसपी है और ना ही आरएलडी है, जिससे जाट और मुस्लिम वोटर बंटना तय है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी पहली बार लोकसभा चुनावों में बिना मुलायम सिंह के चुनाव मैदान में उतरी है। शायद इसलिए भी अखिलेश यादव के लिए ये कड़ी परीक्षा है। अखिलेश की राजनीति में कभी कभी ऐसा लगता है कि पार्टी के कोर वोटर्स यादव और मुसलमान भी उनका साथ छोड़ ना दे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी, दारा सिंह चौहान, केशव देव मौर्य, ये सभी नेता साथ छोड़ चुके हैं और अपना दल कमेरावादी से भी उनका संबंध खराब हो चुका है।
इस बार अखिलेश के लिए उत्तर प्रदेश में सीटें बचाए रखना कितना मुश्किल है और क्या वो इसे बचाने में सफल हो पाएंगे या फिर बीजेपी इस बार भी क्लीन स्वीप करने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।